नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज की वीडियो में हम हाथवे केबल शेयर का टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो स्टॉक कौन सा सेक्टर से बिलोंग कर रहा है। एंड देखिए, ये जो स्टॉक का जो सेक्टर है वो है एंटरटेनमेंट सेक्टर एंड जो इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सॉफ्टवेयर। ओके, अगर आप इसका पीयर्स कंपनी देखेंगे तो देखिए जी एंटरटेनमेंट, सोन टीवी, पीवीआर, सारेगामा, टीवी 18 एसेट्रा एसेट्रा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है इस कंपनी को लेकर कि बैक कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्री। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अक्वायर बाय रिलायंस इंडस्ट्री थ्रू इट्स सब्सिडियरी जी रिलायंस जियो इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हम जाकर शेयर होल्डिंग पैटर्न में एनालिसिस करेंगे। अभी के लिए देखिए, इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है अराउंड 2744 करोड़ का, रिजर्व कैश क्या है 3829 करोड़ का, मार्केट कैप से ज्यादा इसके पास रिजर्व कैश है। एंड नेक्स्ट हो गया रिलायंस ग्रुप का बैकअप है एंड हाइस्ट होल्डिंग जो है रिलायंस ग्रुप के पास में है एंड इसका प्रोमोटर भी है रिलायंस ग्रुप। ओके, एंड स्टॉक का जो पी चल रहा है 38.6 का, इंडस्ट्री पी चल रहा है 58.4, इंडस्ट्री पी से भी नीचे चल रहा है। ROE ROC बहुत ही लो है दोनों का। प्रमोटर होल्डिंग 75%, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इसका मीनिंग यह है कि जो कंपनी का मालिक है उसका भरोसा है कंपनी के ऊपर, इसलिए तो हाई शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहे हैं ना। डेप्ट इक्विटी 0 है, कंपनी के ऊपर 0 डेप्ट है और एक पॉजिटिव पॉइंट है। डिविडेंड यील्ड 0 है क्योंकि उसका नेट प्रॉफिट अभी कॉन्स्टेंट नहीं है, इसीलिए डिविडेंड यील्ड 0 है। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 7% नेगेटिव है, लास्ट 5 ईयर का रिटर्न -3%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न -20%। लास्ट 5 ईयर में इस स्टॉक ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.66। अभी हम देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट में क्या अभी चल रहा है। देखिए, सेल्स जो है लास्ट 3 ईयर में कॉन्स्टेंट है, कुछ भी ग्रोथ दिखे नहीं दे रहा है। 400-430 करोड़ के आसपास ऐसे ही हर ईयर ऐसा ही सेल्स चल रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर, तो यहाँ पे सेल्स को फ्लैट मान सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखिए दिसंबर 23 में यहाँ पे -15 करोड़ था, उससे पहले भी कॉन्स्टेंट था। आप यहाँ पे मान सकते हैं फ्लैट टू नेगेटिव, 30-29 करोड़, 21 करोड़ इस टाइप का प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन मार्च 23 में -15 करोड़ आया है। अभी हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बन रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे टॉप सीक्रेट आ रहा है प्रोमोटर ग्रुप को लेकर। अगर आप यहाँ पे प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग देखेंगे अराउंड 75% है। अगर प्रोमोटर कौन जानना चाहते हैं तो अभी हम प्रोमोटर के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लियर कट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जियो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसके पास है 31% शेयर होल्डिंग। सेकेंड हाई शेयर होल्डिंग है जियो इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसके पास है 12% शेयर होल्डिंग। थर्ड कौन है, जियो केबल एंड ब्रॉडबैंड होल्डिंग, इसके पास है 9% है। बाकी सब नीचे नीचे उसका शेयर होल्डिंग है, लेकिन रिलायंस के पास यहाँ पे मेजर शेयर होल्डिंग है। इसका मीन ये है कि इस कंपनी को रिलायंस बैक कर रहा है, जिसकी वजह से इस कंपनी में पोटेंशियल है। जब भी इस सेक्टर आउट परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा, इस स्टॉक भी परफॉर्म कर सकता है। ओके, एंड देखिए FI के पास यहाँ पे शेयर होल्डिंग है 6.6%, FI यहाँ पे अराउंड 7% के आसपास शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहे हैं। DI के पास 0.8% शेयर होल्डिंग है, जो कि बहुत ही छोटा सा अमाउंट होगा। पब्लिक यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 17.59%। हाई प्रोबेबिलिटी के आने वाले 2-3 क्वार्टर में पब्लिक यहाँ पे शेयर होल्डिंग डिक्रीज कर देंगे। ओके, अगर आप शेयर होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे रिलायंस ग्रुप को लेकर एक पॉजिटिव साइन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैक कर रहा है रिलायंस ग्रुप। नेक्स्ट हो गया FI के पास अराउंड 6.6% शेयर होल्डिंग है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। रिलायंस एंड FI दोनों एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। DI के पास पोजिशन नहीं है, लेकिन DI लास्ट में एंड DI बाद में ज्वाइन कर सकते हैं जब एक बार पार्टी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब प्राइस में अब मूव देना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि चार्ट में किस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन है हाथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है वीकली। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए, प्राइस हमेशा एक चैनल को फॉलो करता है। क्लियर कट देखिए, प्राइस यहाँ पे ना इस चैनल को यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम में फॉलो कर रहा है एंड इस चैनल का लोअर बाउंड्री के आसपास अभी प्राइस ट्रेडिंग कर रहा है। प्राइस देखिए इस चैनल का अपर बाउंड्री के आसपास जब भी गया है, प्राइस को सप्लाई मिला है। लोअर बाउंड्री के आसपास प्राइस को मल्टीपल टाइम डिमांड देखने को मिल रहा है एंड जो लोअर बाउंड्री का लेवल बन रहा है 12 के आसपास एंड अभी क्या प्राइस चल रहा है 15.5 के आसपास। अगर इस स्टॉक का प्राइस
12 के आसपास आ जाता है, 12-10 जोन बेस्ट जोन रहेगा इस स्टॉक को एक्युमुलेशन करने के लिए, क्योंकि रिलायंस ग्रुप का बैक है, उसकी वजह से एक प्रोबेबिलिटी बनता है कि आने वाले टाइम में पोटेंशियल मूव आ सकता है। देखिए वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आपका रिलायंस ग्रुप के ऊपर फेथ है तो आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं, नहीं तो एक स्मॉल कैप स्टॉक है, हाई रिस्क से आप नहीं तो अवॉइड कर सकते, आप लार्ज कैप स्टॉक को शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिलायंस ग्रुप का बैकअप है, उसके साथ इस कंपनी में रिजर्व कैश ऑलरेडी मार्केट कैप से भी ज्यादा है, जीरो डेट कंपनी है, अगर सारा पैरामीटर देखेंगे तो हाई प्रोबेबिलिटी की आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ मूवमेंट यहाँ पे आ सकता है। अभी फुल्ली डिपेंड करते हैं आपका फेथ के ऊपर रिलायंस ग्रुप को लेकर, एंड इस स्टॉक को आपके रडार में रखिएगा अगर कुछ टेक्निकल पैटर्न बनता है, नहीं तो डीप में 10-12 के आसपास चला जाता है वहां पे आप कंसीडर कर सकते हैं आपका रिस्क अपडेट के हिसाब से। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।